गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। अभी हम लोग प्रायश्चित पढ़ रहे थे, आइए देखते हैं प्रायश्चित का अंतिम भाग। रामू की माँ ने आंखें फाड़ कर पंडित परम सुख की ओर देखा। अरे बाप रे, 21 तोला सोना, पंडित जी यह तो बहुत है, तोला भर की बिल्ली से काम ना होगा। पंडित परम सुख हंस पड़े। रामू की माँ, 1 तोला सोने की बिल्ली, अरे रुपया का लोग बहू से बढ़ गया। बहू के सिर पर बड़ा पाप है, इसमें इतना लोग ठीक नहीं। मोल तोल शुरू हुआ और मामला 11 तोले सोने की बिल्ली पर ठीक हो गया। इसके बाद पूजा पाठ की बात आई। पंडित परम सुख ने कहा, इसमें क्या मुश्किल है, हम लोग किस दिन के लिए हैं। रामू की माँ, मैं पाठ कर दिया करूँगा, पूजा की सामग्री आप हमारे घर भिजवा देना। पूजा में सामान कितना लगेगा। अरे कम से कम सामान में पूजा कर देंगे, कम से कम सामान में पूजा कर देंगे। दान के लिए 10 मन गेहूँ, 1 मन चावल, 1 मन दाल, 1 मन भर तेल, 5 मन चना, 4 पंसेरी घी और 1 मन भर नमक भी लगेगा। बस इतने में ही काम चल जाएगा। अरे बाप रे, इतना सामान। पंडित जी, इसमें 150 रुपया खर्च हो जाएगा। रामू की माँ ने रुआंसी होकर कहा, पर इससे कम में तो काम ना चलेगा। बिल्ली की हत्या बड़ा पाप है, खर्च तो देखती हो, पहले बहू के पाप को भी देखो। यह तो प्रायश्चित है, कोई हंसी खेल थोड़ी इसकी मर्यादा। प्रायश्चित में वैसा उसे खर्च भी करना पड़ता है, आप लोग ऐसे वैसे थोड़े हैं। अरे 150 रुपया आप लोगों के हाथों का मैल है। पंडित परम सुख की बात से पंच प्रभावित हुए। किसनों की माँ ने कहा, पंडित जी ठीक तो कहते हैं, बिल्ली की हत्या कोई ऐसा वैसा पाप तो नहीं, बड़े पाप के लिए बड़ा खर्च भी चाहिए। छन्नू की दादी ने कहा, और नहीं तो क्या, दान पुण्य से ही पाप टलते हैं, दान पुण्य में किफ़ायत ठीक नहीं। मिश्रानी ने कहा, और फिर माँ जी, आप लोग बड़े आदमी ठहरे, आप लोगों को इतना खर्च कौन आखरेगा। माँ, एक तरफ तो बहू के लिए कुंभी पाक नरक है और दूसरी तरफ तुम्हारे जिम्मे थोड़ा सा खर्च, सो उससे मुंह न करो, मुंह न मोड़ो। फिर जरा कुछ बिगड़ कर बोले, रामू की माँ, यह तो खुशी की बात है, अगर तुम्हें यह अखरता हो तो ना करो, मैं चला। इतना कहकर पंडित जी ने पोथी पत्रा समेटा। अरे पंडित जी, रामू की माँ को कुछ नहीं अखरता, बेचारी को कितना दुख है, बिगड़े नहीं। मिश्रानी, छुन्नू की दादी और किस्नू की माँ ने एक स्वर में कहा। छुन्नू की माँ ने पंडित जी के पैर पकड़े और पंडित जी ने जमकर आसन लगाया। और क्या हो, 21 दिन के पाठ के 21 रुपये और 21 दिन तक तो दोनों वक्त 5-5 ब्राह्मणों को भोजन भी करवाना पड़ेगा। कुछ रुक कर पंडित परम सुख ने कहा, इसकी चिंता मत करो, मैं अकेले दोनों समय भोजन कर लूँगा और मेरे अकेले से 5 ब्राह्मण के भोजन का फल मिल जाएगा। यह तो पंडित जी ठीक कहते हैं, पंडित जी की तोन तो देखो। मिश्रानी ने मुस्कुराते हुए पंडित जी पर व्यंग किया, अच्छा तो आप प्रायश्चित का प्रबंध करवाओ। रामू की माँ, 11 तोला सोना निकालो, मैं उसकी बिल्ली बनवा लाऊँ, 2 घंटे में मैं बनवा कर लौटूँगा, तब तक पूजा का सब प्रबंध कर रखो और देखो पूजा के लिए। पंडित जी की बात समाप्त भी न हुई थी कि महरी हाँफती हुई कमरे में घुस आई। सब लोग चौंक उठे। रामू की माँ ने घबरा कर कहा, अरे क्या हुआ अरे। महरी ने लड़खड़ाते स्वर में कहा, माँ जी, बिल्ली तो उठकर भाग गई। थैंक यू।